हाय दोस्तों, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। अभी क्लास 9 के सब बच्चे लोग आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आपको वेलकम करता हूँ दिवाकर फिजिक्स में कि आप क्लास 9 के कुछ वीडियोज़ आने वाले हैं और साथ बीच बीच में क्लास 11 के भी आएंगे, तो आप देखते रहिए। और इस बार क्योंकि बोर्ड से क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। चलिए चैप्टर 1 से हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में मेजरमेंट चैप्टर है, है ना। मेजरमेंट में आपको इसका डेफिनेशंस, यूनिट्स, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें यही है कि सबसे पहले आपको फिज़िक्स में बहुत सारे मेजरमेंट करने पड़ते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत सारा जो टर्म्स है वो हमको पढ़ना पड़ता है। अभी ये जो फिज़िकल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, जैसे वेरी फेमस इज फोर्स, है ना, टाइम, लेंथ, ये सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। सो व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़? फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड विद न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू से हम असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप देख सकते हैं टाइम कितना हुआ, है ना। तो टाइम अभी मान लीजिए 12 o'clock, देखिए 12 हम एक्सप्रेस कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से, है ना। कितना टाइम लगा? 5 मिनट्स लगा, तो 5 हम फिर इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जैसे और भी ऐसे कुछ है, जैसे हैप्पीनेस, बहुत हैप्पीनेस, है ना, बहुत खुशी है, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन अभी कितना उसको न्यूमेरिकली उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो उसी तरह वो हैप्पीनेस इज़ नॉट द फिज़िकल क्वान्टिटी, लेकिन टाइम इज़ द फिज़िकल क्वान्टिटी। तो वैसे ही हम दूसरे क्वांटिटीज़ बहुत सारे फिज़िक्स में पढ़ने पड़ते हैं, तो हम उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम पढ़ेंगे विच कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस विद न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है। तो ये हो गया फिज़िकल क्वांटिटीज़। अभी उसको मेजरमेंट का बारी आ गया, ठीक है। अभी मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे? तो मान लीजिए आपको कुछ एक पीस ऑफ क्लॉथ चाहिए ऑफ सर्टेन लेंथ, है ना, इतना लंबा चाहिए। तो आपने बोला, आपने अपने हाथ से मेज़र किया, ठीक है, आपने ऐसे मेज़र किया, तो आपका हाथ और मेरा हाथ डिफरेंट है, है ना। तो यदि किसी के पिताजी ने ऐसे हाथ से मेज़र किया, इतना यानी कि एक हाथ कपड़ा चाहिए, तो बेटे को बोला जाके इतना लेके आ जाओ, है ना। तो क्या करेगा फिर वो दुकानदार? वो मेज़र करेगा अगेन, है ना। तो उसके हिसाब से फिर द शॉपकीपर हैंड में भी डिफरेंट, तो वो फिर कुछ कपड़ा लेके आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगा। तो दैट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड वे ऑफ मेजरमेंट, है ना। तो इसलिए हमको एक क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इतना है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो उसके हिसाब से हम उसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वी असाइन सर्टेन स्टैंडर्ड वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू, नोन वैल्यू फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटी, है ना, दैट इज़ द यूनिट। तो देखिए द यूनिट को क्या बोलते हैं, यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे, द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी सिलेक्टेड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे अभी मान लीजिए ये वाला, अभी ये नॉर्मली मैंने लाइन खींच दिया, अभी हाउ लॉन्ग इज दिस लाइन, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी ऐसे करके मेजर करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना, डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट लेंथ रहता है। तो हम यहाँ पर जो है स्केल, स्टैंडर्ड स्केल इसमें बनाया है, तो इसमें सेंटीमीटर में मार्क किया है। तो यदि हम देखेंगे कि ये मेज़र हम कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, कितना है, तो ये हम मेज़र कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें आंसर आ रहा है 11, तो 11 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 11 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, है ना, सेंटीमीटर इज़ द यूनिट, यानी कि एक जो इतना डिस्टेंस है, जो इतना डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक सेंटीमीटर, इतना स्टैंडर्ड है। फिर नेक्स्ट वाला ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, है ना। तो इस तरह से हम फिर सेंटीमीटर के साथ हम कितना लंबा है वो कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए अभी मेजरमेंट का डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन, है ना। तो मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन ऑफ गिवन क्वांटिटी, किसको आपको मेजर करना है एंड किसके साथ कंपेयर करेंगे, है ना। सो विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सिमिलर नेचर, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है
उसके साथ आपको कंपेयर करना है, देन यू विल दैट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेजरिंग दैट फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन्स यू आर इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट. तो अभी नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूनिट हो गया, जैसे इसमें सेंटीमीटर हो गया, है ना. अभी उसके साथ कंपेयर करना है, तो मैंने जैसे देखा 11 सेंटीमीटर आया, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 11 टाइम्स 1 सेंटीमीटर है. इसका मतलब है 11 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज़ द यूनिट, तो वो स्टैंडर्ड है. अभी जब लेंथ कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, तो इसलिए अभी ये देखा है 11 है, इसका मतलब 11 टाइम्स दिस 1 1 1 1 11 टाइम्स, है ना. तो उसी तरह 5 मीटर का मतलब क्या है, 5 टाइम्स द यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज मीटर. 15 केजी का मतलब क्या है, 15 टाइम्स द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ दैट मास इज 1 केजी, यूनिट ऑफ मास 1 केजी है. तो 1 केजी से कंपेयर में कितना है, 15 केजी, है ना. 15 टाइम्स द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ मास दैट इज 15 केजी, 1 केजी. तो ये इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं. आपको यूनिट भी समझ में आ गया. अभी इसलिए व्हेनेवर वी एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज देन वी हैव टू पार्ट्स. तो एक हो गया जैसे यहाँ 11 हो गया और सेंटीमीटर हो गया, तो 11 न्यूमेरिकल वैल्यू और ये है यूनिट. 15 केजी, 15 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी इज़ द यूनिट, सो 15 टाइम्स द यूनिट. तो इस तरह से हम मेजर करते हैं. तो आपको समझ में आ गया मेजरमेंट. ओके, अभी यूनिट जब सिलेक्ट करते हैं तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, है ना, इजी कन्वीनियंट टू यूज़. जैसे अभी ये पेन का लेंथ को यदि हमें बोलूँगा 1 कितना किलोमीटर है, तो ये एब्सर्ड हो जाएगा. किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग यूनिट, है ना, तो इसलिए इसको सेंटीमीटर में कहना अच्छा है. तो सेंटीमीटर में हम मेजर करेंगे तो एक्सप्रेस कर सकते हैं हम 13.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, तो ठीक है. यदि किलोमीटर में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत ही छोटा वैल्यू आएगा, है ना, पॉइंट में आएगा, तो डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस. तो कन्वीनियंट साइज़ का होना चाहिए. अभी बोलेंगे व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कलकत्ता, है ना, तो फिर वहाँ सेंटीमीटर में आप मेज़र करेंगे तो वो भी एब्सर्ड हो जाएगा, बिकॉज इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना. तो उसको बिगर यूनिट में आपको यूज करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा. तो इसलिए हम कन्वीनियंट साइज़ में हम यूनिट को लेना चाहिए. एंड सेकेंड, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, है ना. टाइम के साथ उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, सिस्टम में मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, तभी उसको स्टैंडर्ड बोला जाएगा. एंड शुड बी डिफाइंड विदाउट एम्बिग्यूटी, विदाउट एनी डाउट, है ना. उसमें क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, ईजी टू एक्सप्रेस. तो यही है आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट्स, है ना, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट और चॉइस ऑफ यूनिट आप इसको पढ़ सकते हैं. तो समझ में आ गया. अभी यहाँ पर हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप के होते हैं, है ना. एक होते हैं फंडामेंटल और एक होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे और बेसिक यूनिट्स बोलेंगे, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के होंगे सो वो डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है. तो अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं, तो बहुत सालों से ये तीन लेके चल रहे थे हम लोग, है ना, ये लेंथ, मास, टाइम, ये है बेसिक यूनिट्स, बेसिक क्वांटिटीज़. अभी इनके जो यूनिट्स हैं जो है वो हमको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं उसको. तो जैसे लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का केजी और टाइम का सेकेंड, है ना. तो ये है फंडामेंटल यूनिट्स. क्यों इसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट. ना मीटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर यूनिट, केजी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर यूनिट, इट इज़ इंडिपेंडेंट. सेकेंड ऑल्सो सिमिलरली अदर. तो ये है हो गया फंडामेंटल यूनिट्स, है बेसिक यूनिट्स. जैसे आप यदि वेलोसिटी का देखेंगे, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड. तो मीटर है लेंथ और सेकेंड है टाइम. तो दोनों का यूनिट लेके हम वेलोसिटी का यूनिट बनाते हैं या एक्सप्रेस करते हैं.
So this unit of velocity depends on a unit of length and time together. So इसलिए this is the derived units which can be expressed in terms of other unit, that is fundamental units. So velocity एक example हो गया. तो अभी recently क्या लिया गया है कि जो length, mass और time ये fundamental quantities हैं, इसके unit को fundamental unit बोलेंगे. तो अभी जो है internationally बाकी जो quantities भी उसको basic quantities में शामिल किया गया है, इस included. तो temperature है, तो temperature का unit होगा Kelvin. Luminous intensity, ये candela है ना. Luminous intensity मैंने brightness, एक कोई भी source of energy light का है ना, कितना brightness है. जैसे आपका LED lamp, उसका एक intensity होगा. Electric current, ampere. Amount of substance, mole. Angle, radian. ये supplementary units हैं, quantities हैं. Solid angle, steradian है ना. तो ये है basic unit, basic quantities में इसको include किया गया है. और इनके बेस में हम फिर दूसरे यूनिट हम बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, derived units. तो क्या क्या एग्जाम्पल बोल सकते हैं. तो यहाँ मीटर मीटर पर सेकेंड आ गया है ना, केजी पर मीटर क्यूब बोल सकते हैं डेंसिटी का. तो केजी मास का है और मीटर लेंथ का, मिला के केजी पर मीटर क्यूब. तो डेंसिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटी, केजी पर मीटर क्यूब इज डिराइव्ड यूनिट. तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. अभी देर आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. जैसे यहाँ पर मैंने बताया SI सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ये लेटेस्ट है. तो ये पहले या अभी भी कुछ यूज होते हैं, जैसे CGS सिस्टम. तो CGS में क्या होता है, तो आप याद कर सकते हैं CGS. तो CGS क्या है, ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, यानी कि लेंथ, मास, टाइम. सो लेंथ, मास, टाइम को, लेंथ को लिया जब लिया जाता है सेंटीमीटर, मास को लिया जाता है ग्राम, टाइम को लिया जाता है सेकेंड, देन दिस इज CGS सिस्टम. अभी उसी तरह FPS है ना, लेंथ को ले लेंगे फुट और इसको मास को पाउंड और इसको सेकेंड, सेम ही है. तो MKS लेंथ को लेंगे मीटर, ग्राम को केजी और टाइम को सेकेंड. तो ये MKS, FPS, CGS. तो वही बेसिक यूनिट्स को जिस तरह से हम ले लेते हैं वही नाम बन गया है ना. तो CGS जो है फ्रेंच सिस्टम है, FPS जो है ब्रिटिश सिस्टम है, एंड MKS जो है मेट्रिक सिस्टम है. तो इसमें पावर ऑफ 10 हम यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है. और रिसेंटली फिर जो MKS सिस्टम है, लेंथ, मास, टाइम है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये तीन बेसिक क्वांटिटीज़ यूज होते थे, तो इसलिए MKS हो गया. अभी इसका ही एक्सटेंशन करके SI सिस्टम आ गया. तो इसमें आप देख लीजिए ये यूनिट्स है, ठीक है. तो सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल होता है जैसे ये कोन, आप याद कर सकते हैं ये कोन है, तो ये हो गया सॉलिड एंगल है ना. और एंगल तो आप जानते हैं, ये एंगल हो गया, ये टू डायमेंशनल है और ये थ्री डायमेंशनल है, ठीक है. तो ये हो गया सॉलिड एंगल, इसका यूनिट हो गया स्टेरेडियन, इसका रेडियन. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे केजी में भी मेजर करते हैं, मास तो ये रिलेटेड है, लेकिन जो एटॉमिक पार्टिकल्स यूजुअली तो उसको एक्सप्रेस करते हैं मोल में. इलेक्ट्रिक करंट ये है आ गया. तो ऐसा सिस्टम, तो आपको ये सिस्टम याद करने हैं, ठीक है. अभी इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स. जैसे मीटर, मीटर इज़ द ऐसा यूनिट. तो मीटर का आपने देखा होगा, ये जैसे यहाँ सेंटीमीटर मैंने लिखा है ना, सेंटीमीटर, मीटर, फिर किलोमीटर. तो ये जो मीटर है ये ऐसा यूनिट लेंगे. तो इससे जो बड़ा है वो मल्टीपल यूनिट, और इससे जो छोटा है वो है सब मल्टीपल यूनिट. तो ये आपको मीटर से छोटे, मीटर से बड़े, तो ये आपको याद करने,
और उसका रिलेशन विद SI यूनिट, यानी कि सेंटीमीटर हाउ इज इट रिलेटेड टू मीटर, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो ये रिलेशन आपको याद करना है. 1 किलोमीटर व्हाट इज द रिलेशन विद SI यूनिट मीटर, सो 1000 मीटर. तो इस तरह से आपको रिलेशन याद करने हैं. तो ये तीनों का यानी कि लेंथ मास एंड टाइम का तो आपको क्या करना है, जो सब मल्टीपल एंड मल्टीपल यूनिट्स विद रिलेशन टू SI सिस्टम, यानी कि SI यूनिट मास केजीस, इसमें रिलेशन आपको पढ़ने हैं. तो इतना आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में आप ये पढ़िए और